हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सैमसंग का एक फ़ोन है J7 या सैमसंग का कोई भी फ़ोन, उसको आप जब वो चार्ज ना हो रहा हो और ऑन नहीं होता है तो कैसे आप उसको ठीक कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। अभी मेरे पास ये J7 फ़ोन है और मैं इसको चार्जिंग पे लगा रहा हूँ और इसको ऑन करने का ट्राई करता हूँ। ये जो स्क्रीन पर आ रहा है चार्जिंग वाला लोगो, ये इसी पर अटका रहता है, इससे आगे नहीं बढ़ता। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए आपको इसका पावर बटन, वॉल्यूम डाउन और होम बटन, ये तीनों बटन को एक साथ प्रेस करके रखना है और तब तक प्रेस करके रखना है जब तक कि स्क्रीन पे एक वार्निंग मैसेज नहीं आ जाता। अब जैसे ही ये मैसेज आएगा स्क्रीन पे, तो आपको यहाँ पे इसको कैंसिल करना है फ़ोन को रिस्टार्ट करने के लिए। तो उसके लिए आपको वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस करना है। अब जैसे ही इसको वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस करेंगे तो फ़ोन रिस्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही फ़ोन रीस्टार्ट होगा तो वहाँ पे आपको सैमसंग का लोगो दिखाई देगा और सैमसंग का लोगो के बाद आपके फ़ोन की होम स्क्रीन आ जाएगी। कभी ऐसा भी होता है कि आप एक बार ये मेथड ट्राई करते हैं और वो फिर से वही स्क्रीन पे स्टक रहता है जो चार्जिंग वाला लोगो स्क्रीन है, पर आप जो है फिर से सेम मेथड ट्राई कर सकते हैं और ये चल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।